और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि WHO ने अब तक अपनी लिस्ट में किस किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। चलते एक बार फिर मेरी सहयोगी पूजा के पास। दुनिया के 5 देशों में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद कई देशों ने पाबंदियों को लागू करना भी शुरू कर दिया है। अब ये समझना भी जरूरी है कि WHO की लिस्ट में वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से वेरिएंट है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन भी शामिल है। अल्फा वेरिएंट सबसे पहले सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला था। बीटा वेरिएंट भी पिछले साल मई में मिला था। बीटा वेरिएंट उसी दक्षिण अफ्रीका में मिला था जहां अब ओमिक्रॉन नाम का ये नया वेरिएंट मिला है। कोरोना के गामा वेरिएंट की शुरुआत भी पिछले साल नवंबर में हुई थी। ये वेरिएंट ब्राजील में मिला था, जबकि डेल्टा, जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहर मचाया था, भारत में पिछले साल अक्टूबर 2020 में मिला था। WHO की लिस्ट में वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अलावा 4 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी की लिस्ट में भी हैं, और इसमें ईटा, आयोटा, कप्पा और लैम्डा शामिल है। कोरोना का ईटा वेरिएंट अब तक कई देशों में मिल चुका है और ये वेरिएंट दिसंबर 2020 में मिला था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आयोटा भी शामिल है। ये वेरिएंट नवंबर 2020 में अमेरिका में मिला था। कप्पा की बात करें तो कोरोना का कप्पा वेरिएंट पिछले साल अक्टूबर में भारत में मिला था, जबकि इस लिस्ट में शामिल 4 वेरिएंट लैम्डा है, जो पिछले साल पेरू में मिला था। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इंडिया अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने खुद ऑपरेशन ओमिक्रॉन की कमान संभाल ली है और हाई लेवल इस पर बैठक हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट पर रोक लगाई जाए। बड़ी समस्याओं से जूझते हुए हमारे देश ने कोरोना से पार पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय ने भी बड़ी चेतावनी दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त चिंता जता रही है और इसको लेकर के WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कह दिया है और भारत में भी कई अहम कदम उठाए गए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर बैठक की है। आइए, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजय राय हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये वेरिएंट क्यों चिंता का विषय है। सर, जिस तरीके से यह खबर आई है उसके बाद से लगातार विश्व में अलग अलग जगहों पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, यानी घबराने की जरूरत है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने की जरूरत है। डरने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में अगर हम देखें, 2 साल पुराना वायरस हो चुका है। जितने म्यूटेशन इसमें होते रहते हैं, म्यूटेशन होना कोई नई बात नहीं है, नहीं पहला म्यूटेशन से, नहीं लास्ट म्यूटेशन से। सो ये म्यूटेशन आरएनए वायरस है, इसमें होते रहेंगे। हाँ, कुछ
म्यूटेशन जो है हो सकता है खतरनाक हो जाए कुछ। बहरहाल इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सतर्क है। अब आपको ये समझाते हैं कि कोरोना वेरिएंट और म्यूटेशन में क्या फर्क है। कोरोना की नई आंधी की आशंका के बीच अब ये समझना भी जरूरी है कि वेरिएंट और म्यूटेशन होता क्या है। अब आपको इन दोनों के बीच के अंतर को डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले जानिए कि वेरिएंट क्या है। दरअसल किसी भी वायरस का एक जेनेटिक कोड होता है। ये एक तरह का मैनुअल है जो वायरस को बताता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। वायरस के जेनेटिक कोड में लगातार छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। ज्यादातर बदलाव बेअसर होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव की वजह से वायरस तेजी से फैलने लगता है और खतरनाक हो जाता है। इसी बदले हुए वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। अब ये समझिए कि म्यूटेशन क्या होता है और ये किस तरह से वेरिएंट से अलग है। दरअसल वायरस के जीनोम में होने वाले बदलावों को ही म्यूटेशन कहते हैं। वायरस जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है उसमें म्यूटेशन होते जाएंगे, और कोई भी वायरस जब किसी नए वातावरण या परिवेश में जाता है तो वो अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करता है ताकि वो जिंदा रह सके और अपना विकास कर सके। जब वातावरण में ये बदलाव तेजी से होता है तो ये म्यूटेशन का रूप ले लेता है। इसी की वजह से जीनोम में बदलाव आता है।